पटना की बेउर जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ चल रहे प्रतिबंधित आधुनिक हथियार 147 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। 21 जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस पूरा होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने यह फैसला सुनाया। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले विधायक अनंत सिंह और केयर टेकर सुनील राम पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था। इसके बाद उस कांड में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद विधायक अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने कुल 33 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की ओर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी। इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले में आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया। इस कांड का स्पीडी ट्रायल चलाया गया है। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने किया था और विधायक अनंत कुमार सिंह और केयर टेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट के में 4 कायम किया गया था। पटना पुलिस ने गुप्ता सूचना के आधार मुकाम विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक घर बार थाना के लदवा गांव में गाफी पुलिस बल के साथ छापेमारी 16 अगस्त 2019 को की थी। इसमें पटना पुलिस वरीय पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस ने छापेमारी में मुकामा विधायक के पुस्तैनी घर से प्रतिबंधित हथियार 147, 33 जिंदा कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामदगी को लेकर FIR दर्ज किया था। बार थाना अध्यक्ष सूचक बनकर FIR दर्ज किया गया था। इस कांड का अनुसंधान तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने किया था। इस कांड में पटना पुलिस मोकामा विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। फरार चल रहे मोकामा विधायक दिल्ली के साकेत कोर्ट में अगस्त में सरेंडर किया गया। इसके बाद पटना पुलिस ने विधायक अनंत सिंह को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लेकर पटना के कोर्ट में पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।